जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, आज हमारा तीसरा दिन है पुरी में और ये हमारा तीसरा एपिसोड है। आज गुरु पूर्णिमा के दिन हम समुद्र स्नान करने के लिए पुरी बीच पर आ गए थे। यहाँ स्नान करना बहुत ही एडवेंचरस होता है और साथ ही इसका धार्मिक महत्व भी है, तो आप जब भी पुरी आते हैं यहाँ पे स्नान करना बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि यहाँ की सैंड बहुत ही ज़्यादा महीन है, तो आपके कान में, आपके पूरे शरीर में चिपक जाता है, साथ ही आपके कपड़ों में भी, आपके पॉकेट्स में भी आ जाता है। तो यहाँ से स्नान करने के बाद आपको फिर से दोबारा स्नान करने के लिए अपने रूम जाना पड़ता है। सो यहाँ से हम चलते हैं अपने रूम। और फिर हम गुरु पूर्णिमा के इवेंट को अटेंड करने के लिए मठ चले जाएंगे। ये एक बजट ट्रिप है जिसमें हमने 3000 का बजट डिसाइड किया था और 5 दिन के लिए हम पूरी आ गए थे। अभी 2 दिन में हमसे 505 रुपये अभी तक खर्च हुए हैं और आगे देखते हैं कि बचे हुए 3 दिनों में हमारे कितने पैसे खर्च होते हैं। यहाँ मठ परिसर में ही कुछ लोगों ने पुष्पहार और श्रीफल की दुकानें लगाई हुई हैं। जो बाजों गाजों की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो गुरुजी अपने कक्ष से अपने गंतव्य स्थान जहाँ गुरु पूर्णिमा का महोत्सव मनाया जाना है वहाँ के लिए निकल चुके हैं। हम भी गुरुजी के पीछे पीछे चल पड़ते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने की वजह से हमें हॉल में जगह नहीं मिल पाती। और कुछ समय बाद जैसे ही हॉल थोड़ा सा खाली होता है, वैसे हम गुरुजी के दर्शन के लिए हॉल में चले जाते हैं। फ्रेंड्स, गुरु पूर्णिमा का महोत्सव क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ हैं। उनमें से एक कहानी हम आपसे साझा करना चाहते हैं। कहा जाता है कि आज ही के दिन पहली बार जो आदि गुरु थे, जो सबसे पहले गुरु थे, यानी कि भगवान शंकर, जिन्होंने फर्स्ट टाइम अपने आप को गुरु के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत किया था और एज अ गुरु अपना ज्ञान लोगों तक बांटना शुरू किया था, तब से आज के दिन को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। और यहाँ पहुँचते ही बहुत जल्द आसानी से यहाँ से गुरु जी के हमें दर्शन हो गए। और फ्रेंड्स, ये वो जगह है जहाँ पे गुरु पूर्णिमा के जो पूजा पाठ वाले जो रिचुअल्स होते हैं वो यहीं से संपन्न होते हैं। इस रिचुअल को गुरुदेव के बाद जो स्वामी जी हैं, गुरु जी के सबसे करीबी शिष्य, वो इस पूजा को संपन्न करते हैं। एक सही गुरु बनने के लिए सबसे ज़रूरी है हमें संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना, और संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना भी इतना आसान नहीं है। ये हमें ज्ञान 4 पार्ट्स में प्राप्त होता है। कहा गया है कि गुरु से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, इसके 4 धी होते हैं, जिसमें सबसे पहले होता है बुद्धि, फिर शुद्धि, फिर वृद्धि और सिद्धि। इसमें जनरली बुद्धि के बारे में हम सब जानते हैं और किसी न किसी प्रकार से हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, चाहे वो ज्ञान हम बुक्स से पढ़ के ले लें, गूगल से ले लें, किसी टीचर्स के माध्यम से ले लें, किसी भी माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और हमें लगता है कि हम सब कुछ जान गए हैं, काफ़ी कुछ जान गए, हम ज्ञानी हो गए हैं, गुरु हो गए हैं। लेकिन ये सच नहीं होता। इसके साथ हमारे साथ बहुत सारी अहंकार भी होता है, घमंड भी होता है, गलत बातें भी होती हैं, बहुत सारी आसक्तियाँ होती हैं। यदि हमें सिद्धि प्राप्त करनी है, मतलब किसी ज्ञान के स्पेशलिटी में पहुँचना है, किसी फील्ड के स्पेशलिटी पानी है, सिद्धि पानी है, तो उसके लिए हमें शुद्धि और वृद्धि के 2 स्टेप से गुजरना ज़रूरी है, और बिना गुरु के शुद्धि आना पॉसिबल नहीं है। इसलिए कहा गया है कि ज्ञान केवल गुरुओं के थ्रू ही प्राप्त होता है। हम पहले लेवल पर पहुँच कर ही खुश रहते हैं बुद्धि के लेवल पर, और अगर हम चाहते हैं हम सिद्धि तक पहुँचें, उसके लिए हमें शुद्धि से गुजरना पड़ेगा। और शुद्धि का मतलब होता है अपने अहंकार को दूर करना। जो हम बुद्धि पाकर हवा में, आसमान में उड़ने लगते हैं, तो हमें ज़मीन पर कोई तो लाए। जब हम ज़मीन पर आएंगे, जब हमारा अहंकार दूर होगा, जब हम समझ पाएंगे कि हम इतना नहीं जानते जितना सोच रहे हैं, तब हमको आगे का स्टेप दिखाई देगा। तो दूसरा स्टेप होता है शुद्धि। जब हम शुद्धि कर लेते हैं पूरी तरीके से, तब हमारे ज्ञान की वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है, एक्चुअल ग्रोथ। उसके बाद हम सिद्धि को प्राप्त करते हैं। तो सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये 4 धी से गुजरना ज़रूरी होता है। पूज्यपाद जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी का जन्म विक्रम संवत 2000 के अनुसार 30 जून 1943 को बिहार के मिथिलांचल में हुआ था। वे दरभंगा, वर्तमान में जो मधुबनी है, जिले के हरिपुर बक्शीटोल गांव में अषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी को जन्मे थे और उनके जन्म दिवस प्राकट्य दिवस को उनके अनुयायी देश और विदेश में बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। आपके पूज्य पिताजी पंडित श्री लालवंशी झा जी
क्षेत्रीय कुलभूषण दरभंगा नरेश के राज पंडित हुआ करते थे। आपकी माताजी का नाम श्रीमती गीता देवी जी था। 5 वर्ष की शैशव अवस्था में ही आपको अमृत स्वरूप मृत्युंजय होने का अपूर्व बोध हुआ था। मात्र 2.5 वर्ष की बाल्यावस्था में आपको श्री राधा कृष्ण का परम अनुग्रह प्राप्त हुआ। 16 वर्ष की उम्र में आप अपने गृह ग्राम में संग्रहणी के कारण मरणासन्न हो गए थे। तब जीवन से निराश होकर एक दिन संध्या के समय थके मांदे अपने आम के बगीचे में जाकर पिताजी की समाधि पर दंडवत प्रार्थना की, ये शरीर इस समय शव हो जाए अथवा स्वस्थ हो जाए। कुछ ही क्षणों में किसी दिव्य शक्ति ने आपको वेग पूर्वक उठा दिया। उठते ही आपका ध्यान नभोमंडल की ओर आकर्षित हुआ, जहाँ श्वेत वस्त्र और पगड़ी धारण किए हुए गोलाकार पद्मासन में बैठे हुए आपको 10,000 पितरों का दर्शन हुआ। पितरों की दिव्य शक्ति एवं अनुग्रह से तत्काल संग्रहणी दूर हुई और आप स्वस्थ हो गए। आपकी प्रारंभिक शिक्षा बिहार और दिल्ली में संपन्न हुई। 10वीं तक आप विज्ञान के विद्यार्थी रहे। 2 वर्ष तक तिब्बिया कॉलेज दिल्ली में आपने अग्रज डॉक्टर श्री सुखदेव झा जी के छत्र छाया में शिक्षा ग्रहण की। पढ़ाई के साथ साथ कुश्ती, कबड्डी और तैरने में भी अभिरुचि के अलावा फुटबॉल के भी अच्छे खिलाड़ी थे। बिहार और दिल्ली में आप छात्र संघ, विद्यार्थी परिषद के उपाध्यक्ष व महामंत्री भी रहे। दिल्ली में आपकी साधना आपके एक अन्य अग्रज पंडित श्रीदेव झा जी के मार्गदर्शन में संपन्न हुई। 1 वर्ष में आपने 52 तंत्र ग्रंथों का अध्ययन किया तथा इष्ट देवी अन्नपूर्णा की उपासना की। दिल्ली में तिब्बिया कॉलेज D8 ब्लॉक के ऊपर कक्ष में रहते हुए आपने गीता का अध्ययन किया और योग शुभारंभ किया। भगवत कृपा से मिथिलांचल में प्रारंभ योग साधना यहां पूर्ण हुई और आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। बाद में श्री करपात्री जी महाराज जी को अपना आध्यात्मिक गुरु मानकर उनसे दीक्षा ग्रहण की और 1992 में पूरी गोवर्धन पीठ के 145वें शंकराचार्य जी के रूप में पदस्थ हुए। फ्रेंड्स, हम किसी योगी या किसी गुरु को जनरली ऐसे देखते हैं तो हमें लगता है कि सिर्फ इन्हें कुछ शास्त्रों का, कुछ श्लोकों का ज्ञान होगा, कुछ गीता का ज्ञान होगा और आधुनिक जो दुनिया है उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते होंगे। लेकिन अगर आप शंकराचार्य जी के बारे में जानना शुरू करते हैं तो आपको पता चलता है इनकी कमांड साइंस में भी है, इनकी कमांड लैंग्वेज में, हिंदी में, संस्कृत में और इंग्लिश में भी है और देश, दुनिया और आध्यात्म सभी में ये ना सिर्फ रुचि रखते हैं बल्कि इनके बारे में आप इनसे बहुत सारे ज्ञान भी ले सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने वैदिक मैथ्स के ऊपर उसकी भी बहुत सारी बुक्स गुरुजी ने लिखी हैं। साथ ही धर्म, समाज और नीति से रिलेटेड भी बहुत सारे बुक्स हैं जो आप गुरुजी की पढ़ सकते हैं और अपने आम जीवन में, अपने परिवार में, अपनी समाज की सुरक्षा और समाज की एकता के लिए आप उसे अपने जीवन में ला सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम भोजन प्रसाद वाले स्थल पे आ चुके हैं। आप देख सकते हैं कि बाहर वाला जो एरिया है वो भी खचाखच भरा हुआ है। इसके अलावा अंदर जो हॉल बना हुआ है, डाइनिंग हॉल है, वो भी खचाखच भरा हुआ है और ऐसे कई राउंड्स में यहाँ पे शिष्यों को भोजन प्रसाद दिया जाता है जिसमें सैकड़ों लोग बिना किसी जाति, धर्म, मजहब को पूछे हुए हर किसी को बराबरी के साथ, उतने ही स्नेह के साथ भोजन प्रसाद सर्व किया जाता है। अगर आप गुरु पूर्णिमा के आसपास पुरी आते हैं, अगर आप गुरुजी के शिष्य नहीं भी हैं तो भी एक मस्ट विजिट प्लेस है जहां आपको गुरु पूर्णिमा के दिन आना चाहिए और यहां का भोजन प्रसाद, यहां का एम्बियंस और यहां की चीज़ों को विटनेस करना चाहिए। साथ ही साथ यहां के सबसे पुराने मंदिरों में आप दर्शन कर सकते हैं और सिंप्लिसिटी का आनंद उठा सकते हैं। आज के दिन मठ में सैकड़ों लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल भोजन प्रसाद का अरेंजमेंट किया जाता है जहाँ पे स्वादिष्ट भोजन के साथ साथ बहुत ही डिलीशियस खीर भी सर्व करी जाती है। वो इतनी डिलीशियस होती है कि अगर आपको खीर पसंद नहीं भी है तो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। फ्रेंड्स, गुरु पूर्णिमा के उत्सव के बाद हम गुरु जी के दर्शन करने के बाद शाम को मंदिर के पास चले गए। भगवान अपने रथ से मंदिर वापस जा चुके हैं लेकिन अभी तक हमने मंदिर के अंदर जाके भगवान के दर्शन नहीं किए हैं। सो आज अपने फ्रेंड मयंक भाई के साथ हमें मंदिर जाने का मौका मिला और बहुत ही अच्छे से हमें आज दर्शन हो गए क्योंकि 2 दिन से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्राउड था तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। अगर आप कम क्राउड में भी इस मंदिर में जाते हैं तो भी आपको कम से कम 2 से 3 घंटे चाहिए मंदिर को प्रॉपर एक्सप्लोर करने के लिए, प्रॉपर दर्शन करने के लिए, यहाँ का
जो महाप्रसाद और यहाँ जो विभिन्न प्रकार के भोग लगते हैं उन भोग प्रसाद को ग्रहण करने के लिए और मंदिर को प्रॉपर घूमने के लिए लगभग 2 घंटे का टाइम तो आपको चाहिए ही चाहिए। अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसकी वजह से हम अंदर फुटेजेस नहीं ले सके, लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि शायद इससे पहले मैं 5-6 बार जगन्नाथ मंदिर आ चुका हूँ, लेकिन ये शायद पहली बार हुआ कि हम यहाँ जहाँ से भोग प्रसाद वितरण किया जाता है उस जगह पे गए और यहाँ से हमने 56 जो भोग लगते हैं भगवान को उस भोग को हमें ग्रहण करने का मौका मिला। वहाँ से ऊपर से बाहर शहर का व्यू काफ़ी अच्छा आता है। सो आप जब भी यहाँ आते हैं मंदिर तो भोग प्रसाद वाले स्थान पे ज़रूर जाएं और भोग प्रसाद का आनंद लें। बाहर निकल के हमने बहुत सारी फोटोग्राफी भी करी, हमारे पास इनफ टाइम भी था कि हम आसपास के एरिया जैसे कोणार्क, उदयगिरी, खंडगिरी, भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर, बुद्धा के स्तूप और भी बहुत सारी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जहां हम घूमने जा सकते हैं। साथ ही नेशनल पार्क है नंदन कानन, आप वहां पे भी जा सकते हैं, लेकिन हमें इस बार प्रॉपर गुरु पूर्णिमा को, मठ को और यहां की लोकल चीज़ों को कवर करना था, इस वजह से हमने बाहर जाने का प्लान स्किप कर दिया। और लोकल दूसरे दिन तीसरे दिन हमें बहुत अच्छा मौका मिला कि हम सी बीच पे अकेले घूम सकें और यहाँ के बहुत सारे अच्छे उछलते कूदते हंसते खेलते मोमेंट को कवर कर सकें। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि कॉपीराइट क्लेम आए हम गाने को बंद करते हैं। और फ्रेंड्स, हम 5 दिनों में यहाँ पे 3,000 का बजट लेकर आए हुए थे। शुरू के 2 दिन में हमसे 505 रुपये खर्च हुए और बाकी के 3 दिनों में 1,800 रुपये के आसपास खर्च हुए। क्योंकि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पैसे बच गए थे हमारे बजट से, सो हमने 4थे और 5वें दिन के लिए बाइक रेंट ले ली थी जो कि हमें 700 रुपये लगा और 200 रुपये का हमने उसमें पेट्रोल डलवाया। इसके अलावा हमने खाने पीने में लगभग 300-350 के आसपास खर्च किए, तो लगभग 1,850 के आसपास हमारा 5 दिन का खर्चा आया। फ्रेंड्स, यहाँ हमने फिर से यहाँ का फेमस रसगुल्ला ट्राई किया जो कि काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस था। ये कैसा टेस्ट वाइज? ये रबड़ी है और इसमें गुलाब जामुन डाला हुआ है और बहुत कम मीठा और मेरे को लगता है हेल्दी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हेल्दी होना चाहिए क्योंकि शुगर कम है और क्वालिटी बेहतर है। अच्छा, अब दूसरा खीर सागर। खीर सागर रबड़ी में रसमलाई डाल दिया है। हाँ, रबड़ी में रसमलाई को डाला है पर ये थोड़ा ज़्यादा मीठा है। ओके, ये कम मीठा नहीं है, ये इसकी तुलना में ज़्यादा है पर इतना ज़्यादा नहीं है कि खाया मतलब बुरा लगे। अच्छा, और मेरे को लगता है कि उड़ीसा का जो टेस्ट है वो ज़्यादा मीठा नहीं है और न नमकीन सा है, कुछ एक डिफरेंट टेस्ट है जो अगर रायपुर में आप बात करें तो शायद वो पुलाव वड़ाव वाले जैसे लोग हैं उस तरह का कुछ खाने का टेस्ट, पर ये अद्भुत है, ये अद्भुत, इसमें कोई नहीं। छेनापोड़ा का एक्सपीरियंस कैसा है आपका? छेनापोड़ा का अच्छा, छेनापोड़ा का भी अच्छा एक्सपीरियंस है, उसमें भी शक्कर कम है पर मेरे को लगता है उसमें घी बहुत ज़्यादा है। घी बहुत ज़्यादा है, डिपेंड करता है कहाँ पे खाया है, क्योंकि मैं जहाँ जहाँ पे खाया मुझे कहीं पे घी फील नहीं हुआ। नहीं हुआ था, मैंने जहाँ खाया वहाँ मेरे को लगा। तो फ्रेंड्स, ये है यहाँ का स्वीट्स का एक्सपीरियंस। अगर आपको स्वीट्स पसंद है, इट्स हेवन फॉर स्वीट लवर्स। सो यहाँ से शायद हमारा सफ़र अब आगे समाप्त हो जाएगा,
स्पेशली फूड का। शाम को हमारी ट्रेन है और रायपुर से आपको ज्वाइन करेंगे। किसी मिलते हैं बहुत जल्द, किसी नए सफ़र, किसी नए फूड, किसी नए कल्चर को एक्सप्लोर करते हुए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए AS Explores। Yeah, sure.